हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। और आप सब देख सकते हैं कि मैंने व्रत में खाने के लिए भोजन बनाया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हाँ, मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है, वो भी बारीक वाले, आप चाहे तो मोटे वाले भी ले सकते हैं। और इसे मैं धुल ली हूँ एक बार। धुलने के बाद मैं इसे कुकर में डाल देती हूँ। एक कटोरी साबूदाने में मैंने 2 कटोरी यहाँ पानी डाला है। कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं, 2 सीटी लगा लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। यहाँ 5 बॉयल आलू लिया है, इसे जीरा फ्राई बनाना है। गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है और यहाँ हरा मिर्चा में बीच से चीरा लगा कर इसे अच्छे से भून लेती हूँ घी डाल के, और इसे बाहर निकाल लेते हैं। दोबारा इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे, 1 चम्मच जीरा और बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा साथ में दोनों डाल देते हैं। अब आलू को मैंने इस तरह से काट लिया है और काटने के बाद इसे कढ़ाई में डाल देती हूँ और इसे इस तरह से मिक्स कर लिया। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, व्रत में खाने वाली नमक डाली हूँ, आप जो नमक खाते हैं वो डालें। और इसे ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आप कुकर की तरफ चलते हैं। कुकर का मैंने ढक्कन खोला तो इस तरह से है, कुछ देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गया है। यहाँ पे फुल क्रीम वाली 2 कटोरी दूध डाली हूँ। इस तरह से चलाते हुए 2 मिनट के लिए और इसे पका लेना है और साथ में चीनी भी डाल देना है। कुकर में बनाने से एक चीज़ का फ़ायदा होता है, समय बचता है और जल्दी हमारा खाना बहुत टेस्टी बन के तैयार हो जाता है। अब बीच में इसे आलू को भी चला लेते हैं। साबूदाना बनकर तैयार हो गया है, उसमें अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स डाल दें। और जीरा फ्राई बनाई हूँ यहाँ, इसमें भी थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दें। और 10 मिनट में बनकर तैयार हो गए दोनों चीज़। अब सिंघाड़े के आटा का यहाँ पूरी बना लेती हूँ। यहाँ मैंने सिंघाड़ा का आटा लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से डो बना लेंगे रोटी की तरह। वैसे तो ये पानी बहुत सोखता है पर धीरे धीरे डालेंगे, नहीं तो फिर गीला हो जाएगा। डो बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब एक पन्नी लेंगे, पन्नी को अच्छे से मैंने धोकर ड्राई कर लिया है। इसमें हल्का सा तेल लगा देते हैं और छोटे छोटे पेड़े बनाकर इस तरह से हाथ की सहायता से इसे पतला करेंगे। अगर आप तवे पे बनाते हैं तो तवे पे बनाएं, पर मैं यहाँ कढ़ाई में बना रही हूँ। और कढ़ाई में तेल मैंने यहाँ घी डाल दिया है और इसमें घी डालने के बाद इस तरह से उलटकर उसमें डाल देना है। इस तरह से मैं डाल दी और इसे बीच में हल्का सा घी डालकर इसे हल्का गोल्डन होने तक पकाएंगे और बीच पलट कर सेंक ले दोनों तरफ। सेंकने के बाद हमारा भोजन व्रत में उपवास में खाने के लिए तैयार है। इस तरह से आप 10 मिनट में भोजन बना सकते। अभी नवरात्रि का व्रत चल रहा है इसलिए मैंने ये सब वीडियो शेयर किया है। और वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो जब पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से भी भोजन बना सकते हैं, सिंघाड़े के आटा का हलवा, मूली, जीरा फ्राई और पूरी। अब वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।